सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो एसिड बेस और साल्ट होते हैं ये सब हमारे नेचर में पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग प्यारे बच्चों कभी कभी ये देखे होंगे कि जब आप लोग लेमन खाते हैं, मतलब लेमन को जब आप लोग यूज करते हैं तो कैसा लगता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो एसिड भी होता है उसका भी टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है यानी खट्टा होता है। और यदि आप लोग इसे टेस्ट करेंगे तो आप लोग कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। और प्यारे बच्चों जो एसिड होता है वो हमारे नेचर में बहुत जगह अकरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप लोगों को होता होगा कि जब एंट होती है यानी जो चींटी होती है जब आप लोग कभी कभी काट लेती है तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होता होगा या फिर सूजन हो जाती होगी। तो उसका भी रीज़न यही है कि जो चींटी का स्टिंग होता है वहाँ क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड फैक्ट को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए एसिड एंड बेसिड, जो प्यारे बच्चों एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। और इन सभी का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे कि कर्ड हो गया यानी जो दही हो गई, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया और विनेगर जूस हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो एसिड प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई एक ऐसी सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो, सावर हो और उसी के साथ साथ वो एसिडिक प्रॉपर्टी को दिखाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती, डोंट वरी ड्यूड, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ बताऊँगा। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब यदि हम लोग बात करें बेकिंग सोडा की और ऐसी चीज़ जिनका बिटर टेस्ट होता है, बाइटर टेस्ट होता है, मतलब जो थोड़ा कड़वा लगते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, और उसे खाने पे यानी यदि हम लोग मान लीजिए टच कर रहे हैं तो हमें कैसा महसूस हो, हमें सोपी महसूस हो, यानी कि थोड़ा फिसल रहा है उसका सरफेस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को। ठीक है, तो एसिड बेस समझ में आया क्या होता है, अभी तो एक झलक है यार, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है। एसिड क्या होता है, जिसका टेस्ट सावर हो, बेसिस क्या होता है, जिसका टेस्ट बिटर हो। और इसी के साथ साथ अब प्यारे बच्चों हम लोग एसिड और बेस को अलग अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का। इंडिकेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस प्यारे बच्चों वो सब्सटेंस जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इंडिकेटर किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ये बताए कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकुलर सामान है, कोई पार्टिकुलर चीज़ है, वो एसिड है कि बेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर है लिटमस, ये नेचुरल डाई, ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों। पहली बात ये हमें मिलता है लीचन वाले प्लांट होता है वहाँ से मिलता है। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने कभी भी एसिड को लिटमस में मिला दिया, या फिर मान लीजिए कि एक लिटमस पेपर है, ऐसा एक लिटमस पेपर है, इस पर यदि आप लोग एसिड गिरा देंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जबकि प्यारे बच्चों यदि आप लोग लिटमस पेपर पे बेस गिरा देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे यार याद कैसे करूँ, ट्रिक है ना मेरे पास। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बेस किससे स्टार्ट होता है, बी से, और ये लिटमस पेपर इसे कैसे चेंज करता है, ब्लू, तो बेस को ब्लू में चेंज करता है लिटमस पेपर। बस एक चीज़ याद रख लीजिए, दूसरी अपने आप ही याद आई, लिटमस पेपर बेसिस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, बेसिस को क्या कर देता है, ब्लू, बेसिस को ब्लू, बी फॉर बी, यानी कि लिटमस पेपर बेसिस को किस में चेंज कर देता है प्यारे बच्चों, ब्लू में चेंज कर देता है, और बाकी एसिड को, एसिड को रेड में कर देता है। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं जो लिटमस पेपर हमें बताता है कि वो एसिड है कि बेस है। तो इस तरह से हमें कोई भी चीज़ पता चल जाती है कि यार वो एसिड है कि बेस। अब यहाँ पे कई सारे और इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि हो गया हमारे प्यारे बच्चों चाइना रोज हो गया, और इसी के साथ साथ टर्मरिक पाउडर हो गया। ये सब आप लोग हायर क्लासेस पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि ये देखिए चाइना रोज है, ये येल्लो में चेंज कर देता है और इसके बाद ग्रीन में चेंज कर देता है बेस को, और एसिड को किस में चेंज कर देता है, येलो में। अब जो टर्मरिक पाउडर होता है प्यारे बच्चों जो टर्मरिक पाउडर होता है वो किस में चेंज कर देता है, बेस को, रेड में चेंज कर देता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों हमारे पास
फेनोफ्थैलिन नाम का एक इंडिकेटर आ जाता है जो कि आप लोगों के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी बता देता हूँ, और दिया है तो बताना ही पड़ेगा। फेनोफ्थैलिन जो होता है प्यारे बच्चों, यदि आप लोग उसमें बेस मिला रहे हैं तो किस कलर का होगा? पिंक कलर का हो जाता है। बेस मिलाने पे पिंक कलर का, और एसिड मिलाएंगे तो कलरलेस ही रहेगा। तो ये था यार कुछ इंडिकेटर जिसके द्वारा हम लोग एसिड और बेस को अलग कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगना नहीं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, कर दीजिए ना।